कैसे दिख रहे हैं फोटो में? ठीक ठाक दिख रहे हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। दोस्तों, फिर से एक न्यू ब्लॉग में मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, देख सकते हैं मौसम बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है पूरा। आज पहली बार जसपुर में पहली बार इस वर्ष पूरा कोहरा छाया हुआ है। अभी दिन के 10:30 करीब बज रहे हैं और पूरा मौसम देख सकते हैं कोहरा छाया हुआ है। दूर दूर तक तो कुछ दिख नहीं रहा है, ये 100 मीटर से दूर दूर कोई भी चीज़ दिख नहीं रहा है। देख सकते हैं कितना खूबसूरत मौसम बना हुआ है। तो आज हम लोग समय निकाल के आज चले हैं, हम लोग देख सकते हैं जंगल पहाड़ की एरिया में हम लोग घूमने निकले हैं। देखते हैं आगे क्या देखने को मिलता है। हाँ, देख सकते हैं हमारे साथ एक नंदू भाई हैं और ये कैमरामैन विनीत भाई है। हाँ यार, मैं क्या बोलूँ, बस कैमरामैन, कैमरा का काम करना है, कैमरा संभालने का काम। हाँ, हम जाएंगे जहाँ पर जा रहे हैं इसी, इधर विनीत भाई का घर यहीं पर है, बाहर ही है। हाँ, तो मेन गाइड का काम विनीत भाई ही करेंगे, इसका गांव ही जाएंगे। हाँ, और ये नंदू भाई और हम लोग देखने वाले हैं, हम लोग घूमने आए हैं और ये जो कोहरा का अच्छा नज़ारा है ये हम लोग देखेंगे और साथ में आपको भी दिखाएंगे। तो यही दिखाने वाला है आज हम लोग को। चलिए ठीक है, मैं गाँव घर का प्राकृतिक चलिए ठीक है, मैं अपने गांव लेकर जाऊंगा और आप दोनों को खूबसूरत पलों का नज़ारा का पल दिखाऊंगा। हो गया, इतना काटो। तो चलते हैं, अभी देखते हैं, हमारे साथ वीडियो अंत तक बन रही है। और हाँ, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी आप लोग के लिए चलते हैं सीन दिखाने। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी हम लोग इंदा घाट पहुँच चुके हैं, पहाड़ भी सामने नज़र नहीं आ रहे देख सकते हैं, लेकिन पहाड़ हम एकदम पहुंच चुके हैं। अभी आप लोग को दिखाते हैं इंदा घाट का, देख सकते हैं यही इंदा घाट जसपुर छत्तीसगढ़, और ये इंदा घाट चढ़ते हुए हम लोग ये है विनीत का नानी गांव नगड़ा, जो कि घाघरा जसपुर के पास होता है। विनीत बोल रहा है अपने नानी घर से किसी को पिकअप करना है, जो कि आज हमारे टूर का गाइड करने वाले हैं। उनको जंगल पहाड़ का अच्छा खासा अनुभव है। देख सकते हैं मेरे बगल में लेफ्ट साइड विनीत भाई है, वीडियो बनाने में मुझे काफ़ी मदद करते हैं कैमरामैन के रूप में। और ये देख सकते हैं आज की हमारी गाइड को हम पिकअप कर चुके हैं हमारे पीछे, इनका नाम है मिस मोना एब्लिनटोपो, काफ़ी अनुभवी है। हम इनसे फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं लेकिन ऐसा लग रहा है काफ़ी मज़ा आने वाला है। उनके साथ में सहयोगी के रूप में दो बच्चे हैं और उनकी माँ है। तो दोस्तों हम लोग अभी पहुंच चुके हैं यहाँ, क्या है, पटिया। तो हम लोग पटिया पाठ देखने जा रहे हैं, यहाँ पर भी कुछ देखने लायक है। अभी हम भैया को पटिया घाट दिखाने जा रहे हैं, यहाँ का सुंदर दृश्य, यहाँ का नज़ारा कैसे है वही दिखाने के बाद में हम इधर कोरवा बस्ती जाएंगे, फिर बच्चों से मिलेंगे, वहाँ के बच्चे कैसे रहते हैं वहाँ, उसके बाद हम गुलू फॉल जाएंगे। देखिए यहाँ का जगह मस्त देखने लायक, भी बड़ा बड़ा पत्थर है। हाँ, तो देखिए यहाँ पे पहले जमाना में सिर कपिली गैया इसको खरवा खाई है, ये चटाल को चाट चाट के तो उसी का ये निशाना हो गया है, इसलिए इसका निशाना ऐसा है कि देखिए कि गिर जाएगा फिर। गाइड है दीदी, आज हमारे गाइड है और दिखाने ला रही है। हाँ चलिए, थोड़ा सा यहाँ पे संभाल के चलिए, ये अब मैदान मिलेगा यहाँ बहुत बड़ा। हाँ, इन साल इसमें बेड़े कमाए थे ना, कोरवा लोग का ही डांड है, ग्राउंड है ऊपर, ग्राउंड जैसा ही था, तो इन साल खेती कमाए थे। बड़ा भी है उधर लास्ट तक है, यहाँ से देखिए हम लोग का घाघरा दिखता है। हाँ, और इधर छतोरी दिखता है, आप लोग का घर भी दिखेगा ना? हाँ दिख जाएगा, देखिए ना। लग रहा है मेरे को मोना का घर भी दिख जाएगा। हाँ, गजब का सीन लगा है ना, एकदम हाँ, रोड दिख रहा है। हाँ एकदम रोड दिख रहा है, उधर देखने में कितना अच्छा लग रहा है, हम लोग का इलाका उधर गड्ढा दिख रहा है ये पार। तो दोस्तों देख सकते हैं क्या, तो देख सकते हैं यह है पटिया घाट और बमहन पाट है। हाँ, और गड्ढा बोलते हैं, गड्ढा क्या बोलते हैं, डुंगियारी ना। और इधर देख सकते हैं यहाँ पर
ये क्या क्या लगा था इसमें खेत में, अभी देख सकते हैं ये खेत है ऊपर गेड़े ना बेड़े बेड़े का, हाँ बेड़े का फसल लगा हुआ था। और इधर देख सकते हैं जबरदस्त सीन, ये पटिया घाट का ये देख सकते हैं जबरदस्त सीन, देख सकते हैं बहुत ही गहराई है। और देखते हैं यहाँ एकदम एकदम से यहाँ पर यहाँ ना आदमी धोखा भी खा जाएगा, इतना जबरदस्त यहाँ से डायरेक्ट एकदम खाई है अचानक एकदम खड़ा है, गजब का और डेंजरस भी है। देखिए तो दूर हो जा रहा है, चेरो परिवार घूमे के तो आली हमें, घूमे के तो आली हमें, तीनों चेरो परिवार घुमाते घुमाते भाई बेरा डूबी गेलक, घुमाते घुमाते ये भाई बेरा डूबी गेलाइन रे बेरा डूबी गेलाइन, घूमे के तो आली हमें, तीनों चेरो परिवार घूमे के तो याली हमें, घूमे के तो याली हमें, तीनों चेरो परिवार घुमाते घुमाते ये भाई बेरा डूब गेलाइन रे बेरा डूब गेलाइन है दया। तो दोस्तों अभी हम लोग ड्रोन का व्यू भी दिखाते हैं यहाँ से, जाने मेरी जाने मान बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना सच्चा मेरा प्यार। तो देख सकते हैं दोस्तों ये क्या गुफा है,
हम लोग सामने से देखते हैं। नीचा पहाड़ पर्वत नदी नाला है रे हमर घाघरा का पाठे देखी ले वा भाई बारिश हो गया ना देखी ले वा बहिन एकदम एकदम घर ही है ना कोई भी जो ना भाई गाय भैंस अगर कोई भी चरा रहे हैं तो फिर अचानक बारिश हो गया कहाँ भागेंगे। पर्वत नदी नाला है रे हमर छोटा नागपुर चला कटिस घुमियाओ भैया बहन रे अरे हमर छोटा नागपुर। अरे भैया कितना गए नहीं 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 यूट्यूब में देख ले क्या खाना बना रही है देखो जंगली इंसान। ये घाट है पटिया घाट बोलते हैं और ये ऊपर हम लोग गए थे ये इसको बोलते हैं घाघरा पाट तो इसको देख लिए बहुत ही मज़ा आया यहाँ पर कहाँ यहाँ का दृश्य देखने लायक है कभी भी आएंगे गुजरेंगे यहाँ से गुजरेंगे तो आप लोग देख सकते हैं ज़रूर। और अभी हम लोग जा रहे हैं कहाँ गुल्लू जाएंगे ना गुल्लू जाएंगे और कहीं घूमने और कोई गांव आसपास होगा तो वहाँ पर भी घूमने जाएंगे तो आप लोग को दिखाएंगे जहाँ भी जाएंगे तो हमारे साथ वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिए जहाँ भी जाएंगे दिखाएंगे बहुत ही मज़ा आने वाला है बहुत ही मज़ा आने वाला है यहाँ का सुंदर दृश्य देख के बहुत ही मज़ा आया तो अभी हम लोग का नेक्स्ट अगला डेस्टिनेशन है अभी हम लोग निकलते हैं पता नहीं तो हम लोग भी किधर जाएंगे तो इधर से भी आते हैं हम लोग यहीं पे 5-10 मिनट खड़ा होकर थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं कहीं तभी हम लोग इतने सारे लोग हैं देखने आज घूमने निकले हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा और हाँ अगला ब्लॉग वीडियो कोरवा बस्ती और गुल्लू वाटरफॉल का बहुत जल्द आने वाला है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय थैंक्स फॉर वॉचिंग।